अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम आपके सोशल साइंस का चैप्टर 1 द एडवेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया पढ़ रहे थे। लास्टली हमने पोर्टुगीज इन इंडिया पढ़ लिए थे। उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं डच इन इंडिया। अब डच कैसे इंडिया में आए थे? डच वर रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड। डच वैसे निवासी कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस ट्रेडिंग करने के लिए, इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए कब स्थापित की गई थी? 1602 में हॉलैंड में। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द डच एंड पोर्टुगीज इन विच पोर्टुगीज वर डिफिटेड। अब संघर्ष किस किस के बीच हुआ, क्योंकि पोर्टुगीज तो पहले से ही इंडिया में थे। अब डच भी आना चाहते थे क्योंकि कंट्रोल करना चाहते थे वो ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया में। तो उन दोनों के बीच बहुत मतभेद हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक। तब कौन हारा गया उसमें? पोर्टुगीज हारे गए। सून आफ्टर डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउस इन कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फिर उन्होंने जब डच जीत गए तो उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग हाउस थे उसको स्थापित कहाँ कहाँ किया? कोरोमंडल, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। देयर फर्स्ट फैक्ट्री कैम अप एट मछलीपट्टनम। और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी? मछलीपट्टनम थी। द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लीड, राइस एंड ओपियम। अब वो मुख्यतः किन किन की ट्रेडिंग करते थे? मसालों की, है ना, इंडिगो की, सिल्क की और राइस की और अफीम की। द मेन डच फैक्ट्री वॉज एट उल्लिकट वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स। अब उन्होंने क्या करा, गोल्ड कॉइन्स बनाए। उनकी जो मेन डच की फैक्ट्री थी ना कुलकट में, वहाँ पे क्या बनाए? गोल्ड कॉइन बनाए, जिसे क्या नाम दिया गया? पेगोडा। डच इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन अ करेंसी इन इंडिया नोन एज पेगोडा। अब एक गोल्ड कॉइन जिसे सिक्के कहते हैं, उनको करेंसी के तौर पे इंडिया में चलाया गया। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी अ फैटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया। अब फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि डच के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुई। इंग्लिश एंड डच फॉट अ बैटल एट बेदारा इन 1759 इन विच डच वर डिफीटेड एंड लॉस्ट देयर फोर्सेस एंड देयर ट्रेड रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक। अब क्या हुआ, जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, बैटल हुई, किस किस के? इंग्लिश और डच के बीच। तो डच उसमें हारे गए, उनकी सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका ट्रेडिंग का जो सेटअप था वो भी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। स्लोली द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड इन इंडिया। और इसी प्रकार धीरे धीरे डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से ख़त्म हो गई। फिर आते हैं अगले, द इंग्लिश इन इंडिया। अब इंग्लिश कैसे आए थे इंडिया में? लाइक अदर यूरोपियन नेशंस, इंग्लिश वर ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। अब जैसे बाकी सब ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वैसे ही इंग्लिश भी चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना। द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 31 दिसंबर 1600। तो 31 दिसंबर 1600 में क्या बनाई गई? एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशूड अ चार्टर प्रोवाइडिंग 15-year मोनोपोली इन ट्रेडिंग। फिर एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उन्होंने एक चार्टर प्रूफ प्रोवाइड किया 15-year मोनोपोली के ट्रेडिंग में। द ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंस रीच द इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। अब जहांगीर का जब शासन था तब ब्रिटिश का पहला शिप जो है, जहाज है, यहाँ आया था। नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच इन इंडिया। अब फ्रेंच कैसे आए थे? द एंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। अब एंडो ओरिएंटल कंपनी बनाई गई, कब फॉर्म हुई थी, कब निर्मित की गई थी? 1664 में। कहाँ पे? फ्रांस में। क्यों? ताकि इंडिया में ट्रेडिंग कर सके। द फ्रांस डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667। अब
एक फ्रेंच डेलीगेशंस जो किसके अंडर में बनाई गई थी, फ्रांसिस कैरेन, उन्होंने सेटअप किया और वहाँ से सेट आउट किया था, सॉरी सेटअप नहीं, कब 1667 में, एंड दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668। और उनका पहला जो मुख्य केंद्र बनाया गया था ट्रेडिंग का, वो कहाँ था, सूरत में उन्होंने स्थापित किया था। देयर आफ्टर द फ्रेंच सेट अप ट्रेडिंग सेंटर एच मछलीपट्टनम इन 1669। उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर एक और कहाँ पे बनाया, मछलीपट्टनम में, कब बनाया, 1669 में, एट पौंडीचेरी, कहाँ पे, पौंडीचेरी में, इन 1673। अब उन्होंने तीन इस्टेब्लिशमेंट तो कर ही लिए थे। एट पौंडीचेरी फॉर वार डिफेंस, अब पौंडीचेरी में क्यों था, ताकि वहाँ पे वॉर डिफेंस किया जा सके। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते थे इंडिया में ट्रेडिंग करके। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्सी टुक डिसीसिव स्टेप, अब एक फ्रेंच गवर्नर थे, कौन थे, डुप्लेक्स थे, उन्होंने एक बहुत ही मुख्य कदम उठाया, क्या था वो, डुप्लेक्स इफेक्ट टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया स्टार्टिंग रिलेवरी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो डुप्लेक्स के एफर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनके जो प्रयास थे उसने कहीं ना कहीं फ्रेंच को होल्ड करके रखा था, और उन्होंने रिलेवरी ब्रिटिश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में स्टार्ट की, एंड द फ्रेंच हैड टू सफ़र डिफीट इन वार, और फिर सफ़र कर गए वो उस चीज़ को डिफीट होने के बाद में, अल्टीमेटली दे स्टार्ट अप पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया, और जब वो हारे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से पैकअप ही सही रास्ता समझा। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश बाय बाबर इन 1526। अब कब मुगल शासन स्थापित किया गया था, 1526 में, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। इट गेंड स्टेबिलिटी ऑन फेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर बिगेंस टू डिस्टिंग्विश आफ्टर दैट ऑफ एम्परर औरंगजेब। अब ये पावर में किसकी वजह से आया था, किसके एफर्ट्स की वजह से, अकबर, और फिर किसकी डेथ के बाद, औरंगजेब जो उनके एम्परर थे उसकी डेथ के बाद क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। द सक्सेसर वर एट वॉर टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, द क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन टू हेल्प फ्रॉम द चिफ्टन ऑफ द एम्पायर, कॉन्सिक्वेंटली मुगल एम्परर हैड टू कंसाइन टू द डिमांड ऑफ अ चेफमैन एंड आमिर्स, द लेटर मुगल एम्परर वर सिंपली पपेट रूल इन देयर हैंड, दे कुड नॉट चेक देयर डिक्लाइन ऑफ द एम्परर। अब फिर उनके बीच कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हुए, जिसकी वजह से किसका, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना निश्चित था। इसके आगे का जो चैप्टर है बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।